10 insane tactics used by the secret service. Secret services की 10 अनोखी युक्तियां। राष्ट्रपति कोई भी हो, सीक्रेट सर्विसेज हमेशा उनके और उनके परिवार की रक्षा के लिए शपथ लेती है। राष्ट्र के मुख्य कार्यकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने वालों के कार्य भी अनोखे और छुपे हुए होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा गुप्त सेवा एजेंटों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये टीम खतरे का पता लगाना, सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 10 राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए इन सीक्रेट सर्विसेज को हर वक्त तैयार रहना जरूरी है। राष्ट्रपति की लिमोजीन गाड़ी द बीस्ट हमेशा वाहनों के एक समूह के साथ होती है, जिनमें से एक अस्तत ब्लैक वैन है जो राष्ट्रपति काउंटर असॉल्ट टीम ले जाती है। ये टीम हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहती है। हमला होने पर ये राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। काउंटर स्नाइपर यूनिट छिपे हुए खतरों को स्कैन करती है। केवल 10% एजेंट्स जो सख्त आवेदन प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। कैट के एजेंट मजबूत, तेज और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई परिस्थितियों में भारी हथियारों में प्रशिक्षित होते हैं। कैट एजेंट सीक्रेट सर्विस के सबसे कुलीन और उच्च एजेंट हैं। वे SR-16 कार्बाइन अपने साथ ले जाते हैं जो बहुत शक्तिशाली राइफल हैं। राष्ट्रपति को मानसिक शांति देने के लिए ऐसे उपाय किए जाते हैं। 9 द बीस्ट 8 इंच के कवच के साथ भारी संशोधित कैडिलैक है। एक तात्कालीन विस्फोटक उपकरण या उच्च कैलिबर की गोलियों को रोकने के लिए ये गाड़ी पर्याप्त है, लेकिन फिर भी सीक्रेट सर्विस एजेंटों को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना जरूरी है। अगर कभी कोई हादसा होता है तो राष्ट्रपति को उपचार के लिए अस्पताल जाने के लिए इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिमोजीन के ट्रंक में एक अनोखी विशेषता है। इसमें एक ब्लड बैंक है जिसमें राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ ब्लड प्लाज्मा हमेशा अवेलेबल रहता है। एजेंट्स को मेडिकल फर्स्ट एड की जानकारी भी दी जाती है ताकि इमरजेंसी के वक्त उनकी जानकारी राष्ट्रपति को बचाने के काम आ सके और उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। इस इमरजेंसी चिकित्सा हस्तक्षेप ने पूर्व राष्ट्रपति रीगन की जान बचाई जब उन्हें 1981 में सीने में गोली लगी थी। 8 सुरक्षा एजेंट संभावित खतरों का आकलन करने में बहुत समय बिताते हैं। सीक्रेट सर्विस के प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस का अर्थ है कि वे सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के लिए किसी भी खतरे की जांच करते हैं, चाहे वो कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो। जब कोई राष्ट्रपति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के बारे में कुछ भी पोस्ट करता है, भले ही ये केवल उस व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलू की जांच पड़ताल हो, अगर उन्हें किसी खतरे का मामूली अंदेशा भी होता है तो वो उस पर तत्काल खोजबीन शुरू कर देते हैं। वे ऑनलाइन हिस्ट्री ढूंढते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, स्केचिंग करवाते हैं और अगर उनका अंदेशा सही निकले तो वो पहले एक चेतावनी जारी करते हैं। कभी कभी उस अपराधी को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करते हैं और अगर अपराधी तब भी ना माने तो उसे क्लास ई गुंडागर्दी के साथ 3 साल तक के कारावास की सजा दी जाती है। 7 आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के पास फूड टेस्टर हो? अभी अफवाह है या सच है ये तो राष्ट्रपति जी ही जाने, मगर ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में सीक्रेट सर्विसेज राष्ट्रपति के प्लेट पर भोजन के प्रत्येक टुकड़े को देखती हैं और परोसने से पहले उसे टेस्ट करती हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के पूर्व कार्यकारी शेफ वॉल्टर स्कीब ने कहा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वॉशिंगटन के साथ बात करते हुए जेम्स कहते हैं कि केवल व्हाइट हाउस के रसोई कर्मचारी जिनके पास परमिट है उन्हें व्हाइट हाउस के आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास भोजन पहुंचाने की अनुमति है। विदेशी यात्राओं पर मौसम के अनुकूल राष्ट्रपति के भोजन में परिवर्तन किया जाता है। नौसेना लंबी यात्राओं पर राष्ट्रपति के साथ एक व्यक्तिगत शेफ नियुक्त करती है जो उनके खाने का पूरा ध्यान रखती है। ये एजेंट्स उनके खाने को चखते हैं ताकि राष्ट्रपति को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। 6 जब व्हाइट हाउस को हाथ से लिए गए पत्राचार से परेशान करने वाली धमकी मिलती है तो एजेंटों के पास उसका पता लगाने का उनका एक अनोखा तरीका है। वो है विभिन्न आधुनिक लिखावट विश्लेषण तकनीक। सीक्रेट सर्विस और FBI ने मिलकर एक तरह की इंक लाइब्रेरी बनाई है जो बेहद संदिग्ध और अज्ञात दस्तावेजों के बारे में अविश्वसनीय जानकारी दे सकती है। इसमें 1920 के दशक के बाद से अब तक उत्पादित हर स्याही के नमूने शामिल हैं। उनके पास ये निर्धारित करने के लिए कि कब और कहां पत्र लिखा गया था। संदिग्धों को कम करने के लिए स्याही का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। सीक्रेट सर्विस ने FBI के साथ मिलकर राष्ट्रपति को सभी लिखित पत्रों का विश्लेषण करने के लिए इसका निर्माण किया है। उनके पास हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भी है जो किसी भी पत्र की लिखावट का निरीक्षण करते हैं। ये सारे झूठे दस्तावेजों की पहचान करने में भी कारगर हैं। 5 द बीस्ट राष्ट्रपति के दर्जनों वाहनों में से एक है। प्रत्येक की कीमत $1 मिलियन से अधिक है।
प्रत्येक वाहन निर्धारित एजेंट और विशेष मैकेनिक के बिना कभी नहीं होता, जो भारी हथियारों से लैस होता है। हर वाहन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक भारी कवच और निगरानी के लिए कैमरा लगा हुआ होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वाहन अग्निशमन प्रणाली, एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन्स, नाइट विजन कैमरा और केवलर प्रबलित टायर से लैस है। इन वाहनों को चलाने के लिए सुरक्षा एजेंटों को गहन प्रशिक्षण और रक्षात्मक ड्राइविंग सिखाई जाती है, जिसमें उच्च गति वाले सटीक ड्राइविंग, कॉर्नरिंग और इवेसिव युद्धाभ्यास शामिल हैं। सीक्रेट सर्विस की टीम ने 1960 में राष्ट्रपति केनेडी की हत्या से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। 4. हर वो जगह जहां राष्ट्रपति जाते हैं, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पहले ही वहां पहुंच जाते हैं और वहां की हर जगह का निरीक्षण करते हैं, चाहे वो एंट्री हो, एग्जिट, रूम या बाथरूम। अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाते हैं या विदेश यात्रा करते हैं तो हर रास्ते की निगरानी की जाती है। जगह जगह पुलिस और आर्मी फोर्स होती है। सड़कें और हाईवेज खाली करवा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी बीच में होती है और आगे पीछे कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल उनकी सुरक्षा के लिए साथ चलती हैं। इसके अलावा जब भी राष्ट्रपति किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं तो सीक्रेट सर्विस की टीम क्षेत्र के सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का संरक्षण करती है और हाल ही में ठीक हुए किसी भी मरीज को देखती है। अगर कभी राष्ट्रपति को डॉक्टर के पास जाना पड़े तो एक एजेंट हमेशा बंदूक के साथ कमरे में रहता है और अगर उसे कभी लगा कि डॉक्टर से किसी तरह का खतरा है तो वो उन्हें भी गोली मारने से पीछे नहीं हटते। 3. सिस्टेमा एक रूसी मार्शल आर्ट है जो पुलिस अधिकारियों, नेवी, आर्मी और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, इसे बड़े पैमाने पर हमलों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टेमा 6 बॉडी लीवर, कोहनी, गर्दन, घुटनों, कमर, टखनों और कंधों पर दबाव डालकर प्रहारों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। सिस्टेमा विशेषज्ञ मार्टिन व्हीलर ने सीक्रेट सर्विस और डिस्कवरी चैनल द्वारा विशेष रूप से पसंद की जाने वाली कुछ तकनीकों को विस्तृत किया है। ये युद्धाभ्यास सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एक राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का इस तकनीक में पारंगत होना जरूरी है। 2. अगर राष्ट्रपति किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर है तब तो ये सीक्रेट एजेंट्स के लिए और भी मुश्किल हालात है। इस भीड़ में उन्हें हर खतरे को राष्ट्रपति के पास आने से रोकना है, जिसके लिए उन्हें भीड़ को स्कैन कर खतरों का पता लगाना होता है। इन गुप्त संकेतों को पहचानने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि क्या भीड़ में एक संदिग्ध शतस्त्र है, कोई कैसे बैठा या खड़ा है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं। बेहोश करने या सिगरेट को जलाने जैसी सरल क्रियाओं के आधार पर वे पता लगा सकते हैं, यही उनके क्लू होते हैं। खासतौर पर ये तरीके ये जानने के लिए होते हैं कि उस भीड़ में किस संदिग्ध व्यक्ति के पास बंदूक हो सकती है। सीक्रेट सर्विस अपने काले धूप के चश्मे के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे शेड सूर्य के किरण से अपनी आंखों को ढालने के लिए नहीं है। वे काला चश्मा पहनते हैं ताकि वे भीड़ को स्कैन करते समय अपनी आंखों को छिपा सके। इस तरह किसी भी संभावित संदिग्ध को इस तथ्य के प्रति सतर्क नहीं किया जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। और भी कुछ गुप्त तरीके होते हैं इन सीक्रेट एजेंट्स के पास। 1. यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपतियों को भी इन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का आजीवन संरक्षण मिलता है। गुप्त सेवा में एक जल बचाव का विवरण भी है, इसलिए यदि बराक ओबामा या जॉर्ज डब्ल्यू बुश समुद्र तट में एक दिन बिताना चाहते हैं तो पानी से बचाव में प्रशिक्षित एजेंट राष्ट्रपति के साथ होते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि जब भी वे पानी में हो, राज्य के वर्तमान और पूर्व प्रमुख सुरक्षित रहें। वे किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना में प्रशिक्षण लेते हैं और युद्धाभ्यास में किसी भी स्थिति में किसी भी पानी के खतरे से किसी को निकालने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। लगभग 3200 एजेंटों में से केवल 75 के पास ही ऐसा मौका होता है, जिन्हें इस पूरी गुप्त सेवा में सबसे अधिक डिमांड वाला मिशन मिलता है। आपको बता दें, जब कभी राष्ट्रपति किसी होटल में जितने दिन के लिए रुकते हैं उतने ही दिनों के लिए उनके फ्लोर के ऊपर और नीचे वाले फ्लोर को खाली करा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ तकनीकें जिनका प्रयोग सीक्रेट सर्विसेज करती हैं राष्ट्रपति की सेफ्टी के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।